बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। मैं हूं आपका टीचर नुमान भट्ट। जी स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म। कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनको हमने सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना है, सिम्बल्स की फॉर्म में लिखना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है मेरे पास, 0 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट W। 0 जो है एलिमेंट है सेट W। इसमें हमें पता होना चाहिए कि सेट W क्या है। सेट W का मतलब है नंबर्स ऑफ, होल नंबर्स का जो सेट है उसको हम बोलेंगे W सेट, उसको W से डिनोट करते हैं। और जैसा कि हमें पता है जो हमारे पास होल नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने जिक्र किया था, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और जैसा कि हम देख सकते हैं जो 0 है वो होल नंबर्स का ही एक एलिमेंट है। तो इसको सिंपली हम लिखेंगे 0 एलिमेंट W। हमने स्टेटमेंट को एक सिंबल में चेंज कर दिया। सेकंड हमारे पास है, लाहौर इज अ मेंबर ऑफ द सेट P। जो लाहौर है वो एक सेट पी है, कोई भी पी सेट हो सकता है, उसका एक मेंबर है। तो हमने जस्ट इसको एक सिंबल में चेंज करना है, तो हम लिख देंगे लाहौर एलिमेंट या मेंबर ऑफ पी, जस्ट इतना आंसर। उसके बाद पार्ट नंबर 3 करता हूं, 1 इज Not an element of set E। One जो है वो set E का element नहीं है। इसमें इसको simple हमने simple में तो change कर देना है। वैसे मैं बताता हूँ, जो set E है, set E हमारे पास even numbers होते हैं। इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जो सिर्फ 2 के डबल में आते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। तो इसको अगर हम सिंबल में चेंज करेंगे तो आएगा 1 नॉट बिलोंग्स टू ई। इसके बाद मैं करता हूं पार्ट नंबर 6, ओ belongs to the set A। जो O है वो set A से belong करता है। तो हमने simple इसको simple form लिखना है, O belongs set A। इसके बाद मैं करता हूँ part number 9, Five is an element of set N। जो 5 है set N का element है, तो हम लिखेंगे 5 element N। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने 5 पार्ट किए और जो बाकी के 5 मैंने छोड़े हैं उनमें पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर हमारे पास 5 है, 7 है, 8 है और 10 है। और जो मैंने छोड़ दिए बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होंगे, आप उनको घर में खुद सॉल्व करें, खुद ट्राई करें। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट्स एंड व्हाई। जो हमारे पास कलेक्शन नीचे दी गई हैं उनमें से कौन से सेट नहीं है और हमने बताना है क्यों नहीं है। जैसे कि पार्ट नंबर 1 में स्टार्ट करता हूं, वो है ए इज इक्वल टू बी ए एन K।
ओके और पहले वीडियोस में जैसे हमने सीखा कि जब हमने किसी कलेक्शन को बताना है कि ये सेट है या नहीं, तो हमने दो बातों को ध्यान में रखना है कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हों वो वेल डिफाइंड हों, उनकी हमें अच्छे से पहचान हो, और दूसरी क्या है वो डिस्टिंक्ट हों। डिस्टिंक्ट मतलब वो अलग अलग हों, यूनिक हों, सेम ना हों। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास चार एलिमेंट्स हैं, बी है, ए है, एन और के। वेल डिफाइंड है, सबका हमें पता है, सारे डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, यूनिक हैं, सेम नहीं। तो हम लिखेंगे यस दिस इज अ सेट, ये एक सेट है। पार्ट नंबर टू है मेरे पास, बी सेट है 2, 4, 6 एंड 8। जैसा कि हम इस सेट को भी देख सकते हैं, चार एलिमेंट्स हैं, चारों के चारों वेल डिफाइंड हैं, यूनिक हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो ये भी हमारे पास आ जाएगा यस दिस इज अ सेट। पार्ट नंबर थ्री है, वो है हमारे पास सी 0, 1, 2, 0। अब अगर हम इस सेट को देखें, हमारे पास चार एलिमेंट्स मौजूद है, चारों वेल डिफाइंड है, हमें पता है पहला 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 0 है। लेकिन मसला इधर ये है कि 0 दो दफ़ा आ गया, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ना हुए, ये दो रिपीट हो गए। तो ये हमारे पास जो सेट की एक डेफिनेशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहा। तो हम लिखेंगे नो दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज 0 इज रिपीटेड। 0 जो है वो हमारे पास रिपीट हुआ है। पार्ट नंबर फोर देखते हैं हमारे पास क्या है, वो है d इज इक्वल टू के आई डबल एल ई आर। अब इससे भी देखा जाए तो क्लियर लिखा है, लेकिन मसला वही आ गया, एल दो दफा रिपीट हो गया, डिस्टिंक्ट नहीं है। तो ये भी सेम लाइन हम लिखेंगे नो दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज एल इज रिपीटेड। उसके बाद पार्ट नंबर फाइव है, E इज इक्वल टू एल ई जी ए एल। अब इसमें भी आप देखें तो L रिपीट हो गया, L रिपीट हो गया, और ये हमारे पास सेट नहीं है। तो लिखेंगे नो दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज L इज रिपीटेड। उसके बाद पार्ट नंबर सिक्स है हमारे पास, वो क्या है, F इज इक्वल टू 9, 3, 5, 1। अब देखा जाए तो तीनों की तीनों जो हमारे पास वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, अलग अलग हैं, और वेल डिफाइंड भी है। तो इसको हम लिख देंगे यस दिस इज अ सेट। नंबर सिक्स है हमारे पास, G इज इक्वल टू द सेट ऑफ स्टोरी बुक्स। जी जैसा कि हमें पता है स्टोरी बुक्स का सेट है, तो वेल डिफाइंड बुक्स आ गई इसमें कि एक सेट है उसमें स्टोरी बुक्स मौजूद हैं। तो इसको हम बोलेंगे यस दिस इज अ सेट। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर सेवन है, H इज इक्वल टू द सेट ऑफ ब्यूटीफुल वर्ड्स। स्टूडेंट सेट ऑफ ब्यूटीफुल वर्ड्स, बर्ड्स हमारे पास बहुत से किस्म के होते हैं, क्राउ,
क्रो हो गए, स्पैरोज हो गए, ईगल्स, पैरट्स आ जाते हैं इसमें, पिजन्स आ जाते हैं, हमिंग बर्ड्स हैं, यानी कि बहुत किस्म के हमारे पास बेशुमार बर्ड्स हैं, बहुत बहुत प्यारे बर्ड्स भी मौजूद हैं। और इस पे ये डिफाइन नहीं किया गया कौन से प्यारे बर्ड्स हैं, तो हम लिखेंगे नो दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड, यानी इनको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया कि कौन से बर्ड्स हैं हमारे पास। इसके बाद पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। पार्ट नंबर 8 क्या है हमारे पास? द सेट ऑफ रिच पीपल, आई इज इक्वल टू दिस सेट ऑफ रिच पीपल। कितने रिच पीपल नहीं पता हमें, सिर्फ इतना पता है रिच पीपल्स का एक सेट है, कितने हैं नहीं पता। ये हमारे पास एक सेट नहीं है, इसको बोलेंगे नो दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, कि इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है। रिच पीपल बहुत से हो सकते हैं, एक जैसे अमीर भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अमीर लोग भी हो सकते हैं। तो जब दो एक जैसे अमीर लोग आ जाएंगे तो इट्स मीन कि ये हमारे पास एक सेट नहीं बनेगा। उसके बाद पार्ट नंबर 9, जे इज इक्वल टू द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेवंथ क्लास, सेवंथ क्लास के बच्चों का एक सेट। तो जैसा कि हमें सेवन क्लास के बच्चों का पता होगा, वेल डिफाइन हो गए बच्चे सेवन क्लास के हैं और कितने हैं वो भी इसमें, यानी कि हमें पता होगा कि क्लास में कितने बच्चे हैं, 29 है, 30 है, 31 है, तो ये हमारे पास एक सेट है। यस दिस इज अ सेट। पार्ट नंबर 10, के इज इक्वल टू द सेट ऑफ फिश इन रिवर रावी। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास सेट है के इज इक्वल टू द सेट ऑफ फिशेज इन रावी रिवर, जो दरियाए रावी में जितनी फिशेज हैं, जितनी मछलियां हैं, उनका सेट है। बिल्कुल एक सेट होगा। यस दिस इज अ सेट, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स भी हैं दरियाए रावी की मछलियां। उसके बाद 11, एल इज इक्वल टू द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, स्कूल के बुरे बच्चों का सेट। अब स्कूल में कितने बुरे बच्चे हैं उससे नहीं बताया, इससे पहले उसने जब सेवन्थ क्लास का जिक्र किया था तो एक महसूस क्लास हो गई कि इसी क्लास के सारे बच्चे उसने शामिल किए, इसलिए वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट था। अब इसमें उसने पूरे स्कूल के बुरे बच्चों के बारे में कहा, अब पूरे स्कूल में हमारे पास कितने बुरे बच्चे हैं हमें नहीं पता, यानी ये हमारे पास डिस्टिंक्ट तो हो गए कि अलग हो गए, लेकिन वेल डिफाइंड ना हुए कि कितने हैं, तो इसको हम लिखेंगे नो दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड।
लास्ट हमारे पास है M इज इक्वल टू द सेट ऑफ वुडन चेयर। वुडन चेयर जो है हमारे पास उसका सेट, जैसा कि उसने बता दिया सेट किसका है, लकड़ी की कुर्सियों का, सिंपल कुर्सियां, सिर्फ कुर्सियां बोलता, सेट ऑफ चेयर्स बोलता, उसमें वेल डिफाइंड नहीं होना था, उसमें हमारे पास आ जाना था कि कहीं लोहे की हमारे पास चेयर्स होती हैं, किसी जगह प्लास्टिक की होती हैं, किसी जगह लकड़ी की होती हैं, तो हमारे पास सेट नहीं था होना। जैसा कि इसमें उसमें यानी इस क्वेश्चन में उसने बोल दिया सिर्फ हमें लकड़ी की कुर्सियों का उसने सेट बताया, वेल डिफाइंड भी हो गया और डिस्टिंक्ट भी हो गया, तो इसको बोलेंगे हम यस दिस इज अ सेट। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सॉल्व किए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।